सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त पर बराए रास्त समाअत इस वक्त जारी है, जबकि चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दलाइलों का आगाज जो है वो जारी था और चीफ जस्टिस ने भी वाजी तौर पर काफ़ी रिमार्क्स दिए और इस वक्त जो है चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया है। आपको समाअत का अहवाल बताएं तो लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत अब 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत जो कि बराए रास्त आपने मुलाहजा की और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया है, जबकि समाअत 8 जनवरी तक यानी पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लतीफ़ खोसा ने अदालत में पटिशन पढ़कर सुनाई। जो ओवरऑल अहवाल रहा वो ये रहा कि शुएब शाहीन कहाँ है, चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया था जिस पर शुएब शाहीन रोस्टम पर आ जाए ये भी कहा गया, जबकि लतीफ़ खोसा वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैं आज जो है वो इस केस की पैरवी करूँगा और आज रोस्टम पर खड़े होकर मैं दलाल दूंगा। शुएब शाहीन ने भी ये कहा कि लतीफ़ खोसा सीनियर जज हैं और वो आज रोस्टम पर खड़े होकर दलाल देंगे। इस पर जो है चीफ जस्टिस ने लतीफ़ खोसा से मुकालमा भी किया कि आप तकरीर ना करें, कानूनी बातें करें।